गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आलोकन एकेडमी आपके भविष्य को लेकर के पूरी तरीके से चिंतित है और आपकी जो भविष्य से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो केवल प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित नहीं होने चाहिए। आपको अपने लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा है, इन सब के बारे में भी जानना चाहिए। और आज इसी संदर्भ में, इसी आलोक में आलोकन एकेडमी एक बार फिर आप सबके सामने एक नई चीज़ लेकर के आ रही है और वो है 200 पॉइंट रोस्टर। ये 200 पॉइंट रोस्टर की कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये कहानी लगभग एक डेढ़ साल पुरानी है। और ये 200 पॉइंट रोस्टर सबसे पहले चर्चा में तब आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 200 पॉइंट रोस्टर को खारिज करते हुए 13 पॉइंट रोस्टर की व्यवस्था को फिर से लागू करने की व्यवस्था दी, निर्णय दिया। और उसके बाद पूरे देश में एक बवाल मच गया, एक हंगामा हो गया और एससी एसटी ओबीसी के लोग सड़कों पर आ गए और उनको लगने लगा कि उनके जो संवैधानिक अधिकार है, उनके जो संवैधानिक अधिकार उनके पुरखों ने, उनकी पुरखौती ने जो दिए हुए हैं, उनको कोई खतरे में डाल रहा है, वो खतरे में पड़ रहे हैं। और उन्होंने उस दिन उस चीज़ को सरकार में बैठे रहनुमाओं को पहली बार एहसास कराया कि अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग मिलकर के अपने हितों के लिए मिलकर के अपने हितों के संदर्भ में कोई बात करना चाहता है, कोई आवाज़ उठाना चाहता है, तो वह आवाज़ दूर तक लग जाएगी, दूर तक जाएगी। और उसी आवाज़ को एक बार फिर से आपके कानों से निकालने के लिए, आपके जेहन में डालने के लिए आलोकन एकेडमी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बीच में आई है। ये ज़रूर है कि आलोकन एकेडमी जिस राह पे चल रही है वो राह उसके लिए भी कठिन है और किसी एक वर्ग के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज करना वो खतरों से खेलना जैसा है, पर हम खतरों से खेलने के लिए तैयार है क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो मिशन है और मिशन में है किसी की परवाह नहीं की जाती है। तो आज हम बात करेंगे 200 पॉइंट रोस्टर के बारे में। और ये जो 200 पॉइंट रोस्टर है इसके कई सारे तकनीकी पहलू हैं। इन तकनीकी पहलुओं में आप बात करेंगे कैसे 200 पॉइंट रोस्टर प्रभाव में आया, कैसे 200 पॉइंट रोस्टर को लागू किया जाता है, कैसे 200 पॉइंट रोस्टर का रजिस्टर बनाया जाता है और कैसे 200 पॉइंट के रोस्टर रजिस्टर को बनाने के लिए कठिनाइयाँ आ रही हैं। मैं खुद एक राजस्थान की सबसे जो ख्याति नाम जो यूनिवर्सिटी है उसकी सिंडिकेट का मेंबर हूँ, उस नाते मैं देख रहा हूँ, मैं बीइंग ए सिंडिकेट मेंबर उस रोस्टर को बनाने में जितनी जद्दोजहद कर रहा हूँ, जितनी कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ, वो तो दूसरे लोग जो उस व्यवस्थाओं से, उस प्रशासन से जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो उस रोस्टरों को कैसे संधारित कर सकते हैं, कैसे उनका निर्धारण कर सकते हैं, कैसे उन्हें बना सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन के साथ इस बात को शुरुआत करूंगा और मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि ये जो कहानी में जो इधर वाला जो ट्विस्ट है, ये कहानी आज आपके सामने जो लाई गई है उसके पीछे की ये कहानी है, वो कहानी है 200 पॉइंट जो रोस्टर है उसकी कहानी को हर एक बहुजन का मतलब एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को तक पहुंचानी है, उनके कानों तक पहुंचानी है, उनके जेहन में डालनी है ताकि वो अच्छे बुरे का जो है निर्णय कर सके, आगे बढ़ सके। और इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने महान कवि दुष्यंत की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत करूँगा। और आप सब जानते हैं उनकी ये जो मशहूर जो पंक्तियाँ हैं, काव्य पंक्तियाँ हैं, ये आप जानते हैं ये किन के लिए कही गई है, ये आप जैसे सोए हुए लोगों के लिए कही गई है, ये आप जैसे दड़बों में दबे हुए लोगों के लिए कही गई है। और ये कहानी है, हो गई पीर पर्वत सी पराई, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आपने दीवारें तो हिला दी डेढ़ साल पहले, पर वो जो चीज़ आपको करनी चाहिए थी, वो बुनियाद जो आपको हिलानी चाहिए थी, वो बुनियाद आपने अभी तक नहीं हिलाई और उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए, हर लाश
चलनी चाहिए, और जो आप लाशों में जो तब्दील हो चुके हैं, आपके हकों के ऊपर जो दूसरे लोग राज कर रहे हैं, उन 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 हकों को आपको समझना होगा, उन चीज़ों को आपको समझना होगा कि कौन आपका अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और जो आप सोए हुए हैं उनकी सूरत मुझे बदलने के लिए, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये बात वस्तुतः मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपने 1.5 साल पहले एक आंदोलन किया था, सड़कों पर आप आए थे, पर उसका परिणाम क्या हुआ? आज भी जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की व्यवस्था में मैं हूँ, जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो व्यवस्था में जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप यकीन करेंगे, आप ढूंढ करके लाएंगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में OBC का एक भी प्रोफेसर नहीं है। आप ढूंढ के लाएंगे SC ST के जो है गिने चुने जो है मुझे लगता है 8-10 प्रोफेसर तीनों कैटेगरीज के मिला करके हैं। तो फिर ये जो व्यवस्था आप कैसे बदल सकते हैं? इस व्यवस्था में मेरे पास रोज़ BCO फ़ोन आते हैं, सर मेरे साथ ये हो गया, मेरी थीसिस जमा नहीं हो रही है, मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है, मुझे ये हो गया, मुझे प्रैक्टिकल में मार्क्स कम मिले। अरे ये कोई ये व्यवस्था जो है ये व्यवस्था क्यों है? ये व्यवस्था इसलिए है कि आपके जो लोग हैं, आपके जो लोग वहाँ जहाँ जिन सीटों पे होने चाहिए, जिन पोजीशन पे होने चाहिए, जिन ओहदों पे होने चाहिए, वो नहीं है। क्योंकि जब आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आएंगे, जब प्रशासन से जुड़े हुए पहलुओं की स्थिति में आप नहीं आएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें भुगतनी भी पड़ेंगी, और इसके परिणाम आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को भुगतने होंगे। मैं आपके सामने जो चीज़ लेकर के आया हूँ उसकी जो बुनियाद है, ये बुनियाद हमें कोई किसी ने भीख में नहीं दिया, ये बुनियाद हमें संविधान ने दी है, और वो संविधान जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल मुंडा जी जैसे वीरों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई कैसे लड़ी वो शायद वो आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। वो संसद की जो लाइब्रेरीज में रखा है या दूसरी लाइब्रेरीज में जो चीज़ें रखी है उनको शायद आपका सरोकार नहीं है, क्योंकि आपके सरोकार आगे बढ़ चुके हैं, आपका सरोकार जो है वो स्वार्थ में तब्दील हो चुके हैं। उन स्वार्थी तत्वों को आप अगर जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके लिए यही हालात बनेंगे, ऐसे ही हालात आपके लिए बनाए जाएंगे, और उसको फिर आप एक एक याचक की तरह, एक दीनहीन की तरह उसको आप सहन करने के सिवा आपके पास शायद कोई और दूसरी चार्ज नहीं रहेगी। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर जयपाल मुंडा जी ने ये जो बौद्धिक कौशल से संविधान में जो आपको आरक्षण दिया, ये आरक्षण आपको किस रूप में दिया? ये आरक्षण आपको प्रतिनिधित्व के रूप में दिया। मैं बार बार जब भी इस पर बात करता हूँ तो मैं आपके सामने हर बार यही कहता हूँ कि ये जो व्यवस्था थी ये प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी, जिसको जातिवादी लोगों ने, जाति के जो चलाने वाले जो लोग हैं, जाति की जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, उसने उसको आरक्षण में तब्दील कर दिया। आरक्षण क्या होता है? आरक्षण होता है किसी चीज़ को पैसा दे करके खरीदना। क्या आपने अपनी पोजीशन को पैसा दे करके खरीदा है? आपको रिप्रेजेंटेशन मिला है, आपका रिप्रेजेंटेशन का मतलब है आप जिस OBC कम्युनिटी से, जिस ST कम्युनिटी से, जिस SC कम्युनिटी से आप वहाँ से आए हैं यहाँ तक चलकर, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पे बैक टू सोसाइटी वापस दें कि मुझे, मैं OBC का हक खा रहा हूँ, तो मेरे जो दो OBC के जो दूसरे भाई हैं उनको रोकने के लिए, उनको आगे लाने के लिए जो व्यवस्थाएँ हैं उस व्यवस्थाओं में मैं शामिल हूँ। और जब तक आप शामिल नहीं होंगे तब तक ये व्यवस्थाएँ आपको कुचलती रहेंगी। इसमें सबसे बड़ी जो बात थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल मुंडा जी ने इसमें जो जिस व्यवस्था पर प्रहार किया वो व्यवस्था थी जातिवाद की व्यवस्था। उनका जो प्रहार है वो जातिवाद पे सबसे था, और वो जातिवाद पे जो व्यवस्था पर जो उन्होंने जो प्रहार किया वो इतना प्रहार इतना घातक और इतना इतना असहनीय था कि उससे ये जातिवादी लोग, जातिवादी व्यवस्था को बढ़ाने वाले लोग तिलमिला उठे, और वो तीखी जो चुभन थी उसे उसने जो है बहुजनों के लिए एक रास्ता निकाला, बहुजनों के लिए एक रास्ता खोजा, पर वो बहुजन शायद ऐसो आराम में कहीं डूब गए, कहीं खो गए। उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल मुंडा जी ने कहा, तुम्हारे ये जो दीन दुबले चेहरे देखकर और करुणाजनक वाणी सुनकर मेरा हृदय फटता है। अनेक युगों से तुम गुलामी के गर्त में पिस रहे हो, गल रहे हो, सड़ रहे हो, और फिर भी तुम यही सोचते हो कि तुम्हारी ये दुर्गति देव निर्मित है, ईश्वर के संकेत के अनुसार है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जीवन जिया और जीवन जीने के साथ साथ जो
उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों से निकल करके आपके लिए सब कुछ किया। इवन बाबा साहब ने अपने मरते हुए बच्चों को भी आपके लिए कुर्बान किया, पर आपने बाबा साहब के लिए क्या किया ये आप अपने बारे में खुद जानते होंगे। बाबा साहब ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कई बार अपने भाषणों में कहा कि तुम अपनी माँ के गर्भ में क्यों नहीं मर गए। बाबा साहब अंत में 1956 में जो आगरा का उनका जो भाषण था या पूना में जो बौद्ध धर्म को जो अपनाया था वो जो भाषण था वो आप पढ़ेंगे तो वो बाबा साहब इतने दुखी थे। मैंने एक दिन मैंने कल पर सोशल मीडिया पर भी डाला है कि बाबा साहब दुखी क्यों थे। बाबा साहब दुखी उनके उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, स्पष्ट रूप से सबके सामने रखा कि मुझे मेरे पढ़े हुए लोगों ने धोखा दिया। वो पढ़े हुए लोग कौन है? आप हम हैं जो व्यवस्था में है, जो प्रतिनिधित्व के रूप में आरक्षण का लाभ लेकर के कहीं कहीं किसी ऑफिस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, कॉलेज में बैठे हुए हैं, उनके लिए वो कहना चाहते हैं तुम अपनी माँ के गर्भ में मर क्यों नहीं गए? कम से कम धरा को बोझ तो नहीं सहना पड़ता। प्रतिनिधित्व की दुर्दशा और बहुजनों के मुरझाए चेहरों से बाबा साहब की ये बात आज भी सच साबित हो रही है। पर ये जो चीज़ है, ये चीज़ इसको शायद कोई समझने वाला, इसको कोई इसका कोई आकलन करने वाला, इसका कोई आत्मनिरीक्षण करने वाला, इंट्रोस्पेक्शन जिसको हम कह सकते हैं, वो करने वाला कोई नहीं है। कोई अपने गिरेबा में नहीं झांक रहा है। सब ये देख रहे हैं कि मेरे हिस्से की लड़ाई कोई लड़े तो ऐसे हिस्से की लड़ाई लड़ते लड़ते तो आप गर्त में चले जाओगे, तब शायद कोई आपको लिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए शायद कोई दूसरा बाबा साहब आएगा। आखिर में बात क्या है? बात सबसे बड़ी जो है वो ये है, और उसके लिए आप हम सब दोषी हैं। आखिरकार बहुजनों को सांप क्यों सूंघ गया है? क्या बहुजन इतने निर्दयी हैं? क्या इतने ऐसा ही हैं जो उस जमाने में उन्होंने जो सहन किया वो आज भी सहने के लिए तैयार है? और आखिरी ये उनकी जो कुंभकर्णी जो नींद है ये खुलेगी कब, टूटेगी? ये एक यक्ष प्रश्न है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपको शायद कचोटता नहीं है बल्कि एक प्रश्न ऐसा है जो आपको कचोटना चाहिए, जिसके बारे में आपको तह में जाना चाहिए। अब शायद इन सब चीज़ों के पीछे की जो कहानी है वो आपने भोगी नहीं है, वो आपके पुरखों ने भोगी है, तो शायद आपने अपने पुरखों से भी अपनी एक दूरी बना ली है, एक डिस्टेंस बना ली है और आप लोग स्मार्ट हो गए। जब मनुवादियों और प्रतिनिधित्व के विरोधी मानसिकताओं द्वारा सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, शायद आज बहुजन युवा वर्ग नहीं जानता कि जब देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में बन रहा था तब सामाजिक न्याय को रोकने के लिए क्या क्या कानूनों को बनाने की एक षड्यंत्र चल रहा था। आपने ये कभी नहीं सोचा, ये कभी जानने की कोशिश नहीं की, और अगर ये जानने की कोशिश की होती, ये सोचा होता, तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते जो आप जिन दिनों में जी रहे हैं। उसी कड़ी में सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए जातिगत आरक्षण, SC के लिए समाज के वंचित और जंगलों में रहने वाले, कठिन परिस्थितियों में रहने वाली जातियों के क्षेत्र के आधार पर अनुसूचित जनजाति को आरक्षण, और बाद में तमाम जो विरोधी मानसिकता है उन सबको जो है दरकिनार करते हुए जयपाल मुंडा जी और बाबा साहब ने जो है OBC के जो रिजर्वेशन के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया, जो संविधान में जो व्यवस्था की, उसके बाद ही मंडल कमीशन 1990 में आया और मंडल कमीशन के माध्यम से आपको सबको आरक्षण के दायरे में लाया गया। पर वो शायद आप वो सारी चीज़ों को भूल रहे हैं। आप ये सारी चीज़ों को क्यों भूल रहे हैं, इसके पीछे की कहानी को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कहानियाँ हैं ये पर्दे के पीछे की क्यों चली गई हैं। क्योंकि वो इसलिए चली गई है कि आप अपने हितों के लिए जागरूक नहीं हैं। आप अपने लिए शायद आपके लिए पास समय नहीं है, आपके पास समय उन चीज़ों के लिए है जो आपके जीवन के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। आप देखेंगे संविधान निर्माताओं ने क्रमिक असमानता की जो 6000 जो जातियाँ थी, इस देश में एक आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना अपने आप में एक कठिन काम था, उस स्थिति में आपको एक सर्वश्रेष्ठ जो व्यवस्था थी लोकतंत्र की, वो लोकतंत्र की व्यवस्था आपके पुरखों ने आपको दी, पर शायद आपने उसका सम्मान नहीं किया। इसलिए संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र के निर्माण में वंचितों को देश के संसाधनों में हिस्सेदार बनाने के लिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपको जो आरक्षण है वो भीख में नहीं दिया गया है। और आरक्षण आप ये भी समझ लें कि आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन का कोई जरिया नहीं है, माध्यम नहीं है। आरक्षण में जो आपको जो हिस्सेदारी जो दी गई है वो संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और उसके जो विभिन्न जो प्रावधान है उसमें दी गई है। अनुच्छेद 335 में दी गई है, 340 में दी गई है, 341 में दी गई है, 342 में दी गई है,
और ये उससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें इसमें आरक्षण को आपको संवैधानिक रूप से दिया गया है, पर शायद आप उसकी कदर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी अहमियत आप शायद समझ नहीं रहे। इन्हीं प्रावधानों के आधार पर आरक्षण के प्रावधान किए गए जिसके तहत बहुजन दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के प्रतिनिधित्व को लागू करने के लिए को लेकर देश भर के विश्वविद्यालयों में मनुवाद का दबाव और सत्ता पक्ष की मिलीभगत से अड़ंगेबाजी करते रहे। ये शायद आप नहीं जानते हैं, मैं उस व्यवस्था को देखता हूँ, मैं उस व्यवस्था से लड़ता हूँ, इसलिए शायद वो व्यवस्था के बारे में मैं जानता हूँ। और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि वो व्यवस्था इतनी घातक है जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। आप ये समझ रहे होंगे, आप ये जान रहे होंगे कि जो आरक्षण की जो व्यवस्था है ये आपको शायद बिना कुछ किए ही मिल जाएगी। उतनी बलमनसात का, उतनी सहृदयता का जमाना इस समय में नहीं है। सब लोग फरेवी हैं, सब लोग दगेबाज हैं, सबके मन में एक ग्रंथि पैदा हो गई है और वो ग्रंथि कभी दिखाई देती है कभी नहीं दिखाई देती है। और आप अगर सच मानो तो जो एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो, अगर मैं हायर एजुकेशन के सेक्टर की बात करूँ तो वो केवल कागजों की शोभा बन करके रह गया है और इसके अलावा वो कुछ नहीं है। अगर वो कागजों की शोभा नहीं होता तो शायद आज गिनने को अंगुलियों के पोरों पर गिनने के लिए एससी एसटी के ओबीसी के जो प्रोफेसर हैं वो जो केंद्रीय शिक्षण संस्थाएं हो या राज्य की शिक्षण संस्थाएं हो उसमें ये जो चीज़ें हैं वो शायद नहीं होती। आप सब जानते हैं इसका परिणाम क्या रहा। इसका परिणाम रहा दलित आदिवासी और पिछड़ों को रिजर्वेशन विश्वविद्यालयों में मैच कागज की शोभा बनकर रह गया, क्योंकि आप सोए हुए हो। आपको आप चिर निंद्रा में इसलिए सोए हुए हो कि शायद आपको एक संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो आरक्षण से आपको नौकरियां मिल जाएंगी। यही हाल मंडल कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर हुआ। आपका क्या था, आपकी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कितना था, आपको रिजर्वेशन कितना दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के और जो दूसरी तरीके के जो बयानात आ रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, जो भाषणबाजियों में जो आप सुनते हैं उनकी मंशा को क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपको आपकी जो पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन के हिसाब से आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया। और जब रिजर्वेशन नहीं दिया गया, बाकी आपको 50% छोड़ दिया गया, तो क्या उसमें आपको वरीयता मेरिट के आधार पर आपको जगह मिल रही है, नहीं मिल रही है। पर आपको शायद ये बाद में समझ में आएगा। आधार पर लागू किए ओबीसी रिजर्वेशन का क्या हाल रहा आप सब जानते हैं। विश्वविद्यालयों में लंबे समय से अपनी स्वायत्तता का हवाला देकर प्रतिनिधित्व को लागू करने से मना करते रहे और सारा का सारा जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसमें एक ऐसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं जो आपको शायद कोई भी अधिकार कोई भी हकूक नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जब सामाजिक राजनीतिक और कानूनी दबाव बनने लगा तो उन्होंने प्रतिनिधित्व को लागू करने के लिए हामी तो भरी पर आधे अधूरे मन से भरी। इसमें तमाम ऐसी चालबाजियाँ कर दी जिससे ये प्रभावी ढंग से लागू ना हो पाए और इसीलिए वे 200 पॉइंट रोस्टर को लागू होने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि बैकलॉग के पदों पर बहुजनों की नियुक्तियां होनी है। और यदि आप अब की बार सवर्ण कामयाब हो गए तो आने वाले 500 वर्षों तक आरक्षितों को कोई नौकरी देने वाला नहीं है। ये व्यवस्था को आपको समझना होगा। ये व्यवस्था क्या है, ये दौर एक दौर ऐसा था जब आपके रिजर्वेशन की जो पोजिशंस थी उस समय की जो पोजिशंस को जो है दूसरे लोगों के द्वारा एक्वायर कर लिया गया, दूसरे लोगों के द्वारा अथिया लिया गया। पर वो लोग 70 के दशक के बाद जैसे जैसे रिटायर होने लगे तो वो पोस्ट वापस खाली हुई, तो वापस जब खाली हुई तो आपको उसके अगेंस्ट में बैकलॉग मिलना था। उस बैकलॉग को और आपके जो करंट जो रिजर्वेशन है उन दोनों को जो आपको न दिया जाए इसके लिए कई सारे षड्यंत्र जो है वो रचे जाने लगे, साजिशें जो है होने लगी। और इन साजिशों को आप देखेंगे तो इन साजिशों के पीछे की जो कहानी है उसको समझेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक निर्णय आता है जिसमें 200 पॉइंट रोस्टर के बदले 13 पॉइंट जो रोस्टर है उसको लागू करने की बात कही जाती है। और ये जो 13 पॉइंट जो रोस्टर है इसको लागू करने की बात के साथ साथ इस फैसले से पहले ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों की जो पदों की जो भर्तियां हैं वो पूरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को इकाई मानकर जो आरंभ हो चुकी थी, जिसके लिए हमने 2012 में जो यूपीए की जो सेकेंड टर्म की जो सरकार थी उसमें हमने दिल्ली में रहते हुए लड़ाई लड़ी और 2012 में यूनिवर्सिटी को यूनिट मान करके, यूनिवर्सिटी को इकाई मान करके, लार्जेस्ट यूनिट को इकाई मान करके हमने रिजर्वेशन की मांग उठाई और उसके बाद उस सरकार ने लागू किया। उस सरकार ने जो लागू किया उसके पीछे आप सब जानते हैं कि जो 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 देश में जो सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं
उसमें आपकी नुमाइंदगी कितनी है, आपकी जो नुमाइंदगी जो है भी वो चापलूसी से बाहर कितनी निकल पाई है, ये आपको आकलन करना पड़ेगा। मैं एक डेटा आपके सामने लेकर के आया हूँ, उसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो आपको जो रिजर्वेशन दिया गया है वो रिजर्वेशन आपको 1931 की जनसंख्या के आधार पर दिया गया, अब 2021 है। आप उसको आप अंदाज़ा लगाइए कितने साल हो चुके हैं, लगभग 90 साल हो चुके हैं। 90 साल में जो आपकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप जो है ST को 7.5%, ST को 15%, OBC को की जो जनसंख्या है वो 54% थी, पर उनको जो रिजर्वेशन दिया वो 22% दिया। आरक्षण का जो प्रावधान किया उसी के अकॉर्डिंग 7.5%, 15%, 27% और उसमें जो हिस्सेदारी आपकी जो उच्च शिक्षा में है ST की जो हिस्सेदारी है वो 2.12% है, SC की हिस्सेदारी 7% है, OBC की हिस्सेदारी 5% है और बाकी जिनको रिजर्वेशन नहीं है, जो रिजर्वेशन का विरोध करते हैं वो 85% रिजर्वेशन लिए हुए। ये आपको समझना चाहिए, ये आपके लिए डेटा आपको आईना दिखाने के लिए ज़रूरी है। अब दूसरी तरफ देखेंगे तो जो 13 पॉइंट जो रोस्टर रजिस्टर की जब बात कर रहे हैं, 13 पॉइंट रोस्टर की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ने आपको जो व्यवस्था दी है उसमें ST के लिए 7.5%, ये परसेंट आपका बनता है और आपका 14वां पद आता है। तो ये आप बताइए जब 13 पॉइंट का जो रोस्टर है तो ये 14वां पॉइंट कहाँ से आपके लिए जनरेट होगा, ये ST की कहानी है। दूसरी आप देखिए SC की कहानी है, ये 15% है, 15% में उनका जो हिस्सा जो है 6.66 का आता है और 7वां पद आता है, क्या आपको मिल रहा है। OBC को देखिए, OBC का 27% है, 27% को इससे वो करेंगे तो 3.70 का जो उसका डेटा आता है उसको भी चौथे स्थान पर धकेल दिया गया है। ये जो पॉइंट जो 3 का जो हिस्सा है, ये पॉइंट 3 का हिस्सा कौन खा रहा है। और उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि ये जो सारी की सारी जो व्यवस्था है वो क्या ठीक से लागू हो रही है, ये आपको व्यवस्था केवल आपको कागजों पे है, इसीलिए ये कागजों की शोभा बढ़ाने की स्थिति में पहुंच चुका है और इसके लिए आप खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप देखेंगे तो इसके आगे की जो कहानी है वो और भी भयावह है और उसमें आपको कुछ चीज़ें जो है समझाने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश समझाने की ये है कि ये जो 13 पॉइंट जो रोस्टर था जिसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, बहुत सारे षड्यंत्र छुपे हुए थे, उन षड्यंत्रों को बेनकाम करके, उन षड्यंत्रों पर विजय पा करके हम जैसे लोगों ने दिल्ली में इसके लिए आवाज़ उठाई और आपको आखिरकार 200 पॉइंट रोस्टर रजिस्टर की जो है बात हमने 2012 में लागू करवाई। ये 2012 में जो हमने लागू करवाई उसको माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है उसको बदलने की कोशिश की, पर उसके आपकी ताकत की वजह से वो फिर से उसका एक ऑर्डिनेंस आया और इसमें 1 से 200 पदों तक की जो रिजर्वेशन की जो बात है वो किन किन पदों पर होगा इसका क्रमवार ब्यौरा दिया होता है। 2012 में हमने लंबी लड़ाई लड़ी जैसा मैं आपसे बता रहा था और संपर्क UPA जो सरकार थी उस पर दबाव बना करके 200 पॉइंट रोस्टर को हमने लागू सभी शिक्षण संस्थाओं में लागू करवाया और इसकी जो संवैधानिक जो व्यवस्था थी, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन थी उसमें जो है इसको उसके बाद में जो मनुवादी सोच की जो मानसिकता थी उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से इसको बदल दिया। 2 अप्रैल 2018 को देशव्यापी आंदोलन हुआ जिसमें आप एक पहली बार इतिहास में SC ST OBC मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए सड़कों पे आए और उसका आपको बहुत जल्दी उसका एक रिजल्ट मिला कि आपके लिए एक अध्यादेश लाया गया और अध्यादेश में जो चीज़ें आपने जो केंद्र सरकार से मांगी और सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी उसके खिलाफ आपको ये सारी चीज़ें दी गई और ये दी गई तो इसके पीछे जो सरकार ने जो भी काम किया वो सिर्फ आपके प्रेशर में किया, पर उसके बाद सरकार के नुमाइंदों के, सरकार में बैठे हुए लोगों के जिस तरह के बयान आए, चाहे वो जोधपुर का बयान हो, चाहे वो पटना का बयान हो, चाहे वो नागपुर के बयान हो, चाहे वो दिल्ली में दिए हुए बयान हो, मैं उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, वो कभी बाद में देखेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन था उसको क्यों ऑनर किया, वो इसलिए किया कि केंद्र में बैठी हुई जो सरकार थी, केंद्र में बैठी हुई सरकार में जो नुमाइंदे थे वो जो है वो आपको उस व्यवस्था को लागू होने देना चाहते थे और उन्होंने उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो है कमज़ोर पैरवी की, सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार गई और सरकार हार गई तो आपको जो है 13 पॉइंट रोस्टर की तरफ धकेल दिया गया। पर उसमें जो आपने सबसे बड़ी जो बात हुई उसमें आप अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि जो 13 पॉइंट जो रोस्टर था उसमें हमें जो वैकेंसी मिली उसमें जो है
तीन पदों की वैकेंसी निकली तो आपको एक भी पद नहीं मिलेगा, चौथे पद पे मिली तो ओबीसी को केवल एक पद मिल जाएगा, और इस तरह से उन्होंने जो है पूरी व्यवस्था को बदल दिया और आप सातवें और चौदहवें नंबर के। तो आप इंतज़ार करते करते दशक बीत गए। आप सब जानते हैं कि जब कोई भी भर्ती निकलती है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए पाँच सेंक्शन पोस्ट है, पाँच सेंक्शन पोस्ट है तो वो व्यवस्थाएँ क्या करती है, पहले दो निकालेंगी, दो पे कोई रिजर्वेशन नहीं, फिर एक निकालेंगी कोई रिजर्वेशन नहीं, फिर दो निकालेंगी कोई रिजर्वेशन नहीं, फिर एक निकालेंगी कोई रिजर्वेशन नहीं, ऐसे करके वो 13 क्या 130 तक पहुंच जाए तब भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला था। इसके लिए इस व्यवस्था को बनाए मैं को एक एक कानूनी ढंग से उसको लागू करने के लिए एक कमेटी बनी, और ये कमेटी बनी उस कमेटी ने प्रोफेसर काले जेएनयू के जो प्रोफेसर थे, बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात के वो वीसी बने, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, और प्रोफेसर काले की जो कमेटी थी उस प्रोफेसर काले की कमेटी ने आपके हकों को कि आपके हकों की जो लड़ाई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए एक 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 रिकमेंडेशन दी, और उसमें जो व्यवस्था थी उस पर मैं बात आपसे करूँगा, पर उसकी पर बात करने से पहले मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया तो सरकार में बैठे हुए जो देवता लोग थे जिनको आप रोज़ पूछते हैं, जो आपको पूछने की आदत पड़ चुकी है, उन्होंने पुष्प वर्षा का आनंद लिया, और उनकी जो अप्सराएं थी उन्होंने डांस किया और उन्होंने जश्न मनाया, और आप देखते रहे। ये व्यवस्था है जिस व्यवस्था को आप वोट दे करके जितवाते हैं, आप वोट दे करके एक दूसरे अपना अपना जो आपसी जो पारिवारिक जो एक एक सामंजस्य है उसको तोड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे की पार्टियों में बढ़ जाते हैं, एक दूसरे नेताओं के पीछे लग जाते हैं, और उसको आपको मिलता है तो क्या मिलता है। मनुस्मृति को लागू करने का जो खुशी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हुई उसमें आप देखेंगे तो देवताओं ने खुश होकर प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट पर पुष्प वर्षा की, अप्सराओं ने डांस किया, सरल भाषा में कहीं तो 13 पॉइंट रोस्टर का जश्न मनाया गया। पर संवैधानिक भाषा में इसके लिए चौथा पद ओबीसी को, सातवां पद एससी को, आठवां पद ओबीसी को दिया जाएगा, चौदहवां पद अगर डिपार्टमेंट में आता है तो वह एसटी को मिलेगा, इसके अलावा आपको क्या मिलने वाला था, सारी की सारी पोजीशन जो जिस तरह से भरी गई वो आप सब जानते हैं। अगर इस सिस्टम में पूरे संस्थान को यूनिट मारकर रिजर्वेशन लागू किया जाता तो भी 49.5% जो रिजर्वेशन आपको दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक कानूनी सीमा तय की गई है उसके बाद भी अगर मान लो उसको लागू किया जाता तो अब तक जो है वो 10% सवर्ण आरक्षण को जो अलग से आपको लागू कर दिया, वो आरक्षण कहाँ से आया, वो तो आपकी मेरिट का हिस्सा था, पर आप नहीं बोले क्योंकि आप बहुत बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय लोग हैं, आप दूसरों के लिए लड़ते हैं, वो उसका एक वानगी है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के आधार पर दिया जाएगा, उस फैसले ने जो है आपको फिर से एक बार गुलामी की ओर धकेलने की कोशिश की, पर फिर वो उसमें थोड़ा सा तो आप लाज बचा गए, पर आपने क्या पाया वो देखिए। वस्तुतः जो रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है उसको ये जो लोग हैं ये कैसे इसको अंदर खाने जो है प्रभावित करते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ और प्रोफेसर के नाते मुझे कई सारी व्यवस्थाओं में कई सारे डिसीजन मेकिंग में वो अनुमान अनचाहे बिना उनकी मर्जी के मुझे एक बाध्यता के रूप में कभी कभी जाने का मौका मिलता है, और जाने का मौका मिलता है तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए सुझाए हैं कि वो किस तरह की बेईमानियाँ किस तरह की जो है चालबाजी अंदर ही अंदर करते हैं उनमें से देखिएगा। इसके लिए 13 पॉइंट का रोस्टर बनाया गया जो कि अच्छे से लागू नहीं हो, 13 पॉइंट के रोस्टर के तहत रिजर्वेशन को ईमानदारी से लागू कर भी दिया जाए तो वास्तविक रिजर्वेशन 30% के आसपास ही आता है, और बाकी का 70% तो वो आप वैसे ही उनको देने वाले हैं, 49% में आपकी हिस्सेदारी वैसे बांध दी गई है, और आपका जो पॉपुलेशन है वो 85-86% वैसे भी है। तो इसको आप देखिए पहली बार क्या हुआ कि वो सबसे पहले करते हैं विभाग को इकाई मान करके रिजर्वेशन लागू करने का पहला षड्यंत्र है। आप देखिए विभाग की जो का साइज है, विभाग का साइज वो है वो डिपेंड करता है कि वो आप उसको देखेंगे कि वो उस विभाग में जो स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है। आप इतने सालों से आप देख लीजिए जितने भी विभागों में स्वीकृत पदों की जो संख्या आती है वो सरकार से जो सेंक्शन होकर के आती है वो दो दो चार चार आती है, कभी भी पाँच से ज़्यादा नहीं आती है। तो फिर वो जो व्यवस्था है उसको उसी तरह से भरते हैं, एक एक दो दो पोस्ट निकाल करके भरते हैं ताकि आपको उसमें कोई आगे ना आने दिया जाए। जैसे ही आरक्षण के विरुद्ध कोई निर्णय आता है
तो सोए हुए जो लोग हैं वो रातों रात जग जाते हैं। जैसे आपने देखा STSC एट्रोसिटी एक्ट के बारे में निर्णय आया तो इलाहाबाद में जो संगीन जो अपराधी थे उनको छोड़ दिया गया और फिर बाद में उसके ऊपर एक दो महीने बाद डेढ़ महीने बाद संसद में कानून पारित हुआ, उसके तब तक उनको सबको जेलों से भगा दिया। तो ऐसे ही वो आरक्षण को लागू जब करते हैं तो पदों को जो भरते हैं तो जैसे रिजर्वेशन के अगेंस्ट में किसी भी छोटी से छोटी अदालत का फैसला आता है तो इन्होंने रातों रात भर्तियाँ निकाली, रातों रात अपॉइंटमेंट किए और आप सब देखते रह गए चुपचाप बैठे। सरकारी विभाग के विश्वविद्यालय हरकत में आते हैं और जल्दी से जल्दी विज्ञापन निकालते हैं जिसमें रिजर्व पोस्ट या तो होते नहीं हैं या बहुत कम होते हैं और उनको जो है NFS कर दिया जाता है, नॉन फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है। एक एक रिजर्व पद के लिए विशेष योग्यता जोड़ना ताकि उम्मीदवार ना मिले। जो नए जो डिसिप्लिन्स जो आ रहे हैं उसमें आपकी विशेषज्ञता दे देंगे, जैसे आपके लिए OBC के लिए दे दिया कि OBC जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी में भी कोई उसका अंदरूनी कोई वो जोड़ देंगे कि इसमें उसकी विशेषज्ञता। अरे बायोटेक्नोलॉजी क्या BSc में ही OBC के बच्चों ज़्यादा नहीं मिलेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में कहाँ से मिलेंगे? तो जहाँ मिलेंगे वो वहाँ नहीं देंगे, पर जहाँ नहीं मिलेंगे वहाँ पर आपको एक टोकन के रूप में देने की कोशिश करेंगे और फिर उसको बाद में बदल देंगे। नए नए कोर्सों में पदों को सृजित करने की जो कहानियाँ चलती है वो आप SC ST OBC के उम्मीदवारों ना मिले इसके लिए उनके षड्यंत्र होते हैं। विभागों को छोटा करना, जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि मान लीजिए कोई विभाग है उसकी साइज बढ़ रही है तो वो क्या करते हैं उस विभाग को तोड़ देते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लेकर के आया हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय जो है उसमें आप देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय में जो है कॉमर्स के 3 विभागों में बांटा गया है, एक ABST है, एक EFM है, एक BADM है। आप बताइए जब UGC उसी कोर्स के लिए एक नेट JRF का एग्जाम करवाती है, एक ही उसे नेट JRF होता है, पूरे देश में नेट JRF उसी से हो रहा है, और तो फिर आपको इस तरह विभागों में क्यों तोड़ा जाता है? विभागों में इसलिए तोड़ा जाता है ताकि विभाग का साइज छोटा हो जाए तो आपका 13 पॉइंट का जो रोस्टर है वो वहीं पे उसमें जो है कंज्यूम हो जाए। तो ऐसे इस तरह के वो करते हैं। फिर आप अगर देखेंगे तो इंटरव्यूज में क्या होता है, इंटरव्यूज में कौन बैठता है? प्रोफेसर लोग बैठते हैं। आपके कितने प्रोफेसर हैं मैं गिना ही चुका हूँ। आप जब आप इंटरव्यू में ही नहीं बैठे होंगे तो आपके हितों का संरक्षण करने वाला कौन होगा? आपको हितों को कौन संरक्षित करेगा? मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो किस तरह से इंटरव्यू लिए जाते हैं और फिर हमने बाद में 2009 में एक व्यवस्था करवाई UGC के माध्यम से, क्योंकि उस टाइम पर जो है प्रोफेसर थोरवाड जी UGC चेयरमैन थे और जो चौहान साहब सेक्रेटरी थे, तो हमने कहा कि भाई जो इंटरव्यू जो होते हैं जो कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू जो होते हैं उसमें STSC OBC का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने व्यवस्था कर दी, सरकार की व्यवस्था हो गई, शासन ने व्यवस्था कर दी। आपके जो पालतू कुत्ते हैं, पालतू चापलूस लोग हैं, वो इंटरव्यू में उनको बुलाने लगे, वो TADA के लिए वो चाय का कप उनको मिल जाता है उसके लिए साइन करने लगे, तो आपके उसको कौन देखने वाला है? तो ये जो व्यवस्थाएँ हैं, ऐसी जो व्यवस्था है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ऐसे इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, पर वस्तु स्थिति यही है। साक्षात्कार बोर्डों में अधिकांश जो है वो सवर्ण विशेषज्ञ होते हैं, चापलूस और लालची आपके ऑब्जर्वर बिठा दिए जाते हैं और NFS किया करते हैं तो वो आराम से खुश होकर के साइन करते हैं कि भाई हाँ ठीक है NFS कर दीजिए। आप ऑब्जर्वर के होते हुए NFS कैसे किया जा सकता है? फिर उसके बाद पहले क्या था, शुरू में ऑब्जर्वर बिठाने की जो बात हुई पर उसको वोटिंग राइट नहीं था सिलेक्शन कमेटी में। फिर हमने 2012 में UGC के ऊपर प्रेशर बनाया, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया और SC ST OBC का जो रिप्रेजेंटेटिव जाता है ऑब्जर्वर जिसको आप बोलते हैं उसको भी वोटिंग राइट दिलवाया ताकि वो बोर्ड से ये कह सके भाई मेरा बोर्ड तो दूंगा। फिर उसके बाद भी व्यवस्थाएं नहीं बदली। उसके बाद अगर व्यवस्था बदलती तो रोहित बेमिला जैसा दार्शनिक जो नौजवान है वो क्यों मरता? तो ये जो व्यवस्था है इसके लिए आप सब जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो सारे लोग जिम्मेदार हैं। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिसको मैं इस संक्षिप्त से जो व्याख्यान में शामिल नहीं कर सकता, पर आपके सामने कुछ वानगी के तौर पे चीज़ें लाया हूँ। अन्य अनगिनत ऐसी मनवादी टैक्टिक्स अपनाई जाती है जिनको साक्षात्कार के समय देखा जा सकता है, परखा जा सकता है और जिनको मैंने प्रोफेसर होने के नाते बहुत नज़दीकी से देखा है। ऐसी अनेक कहानी चालबाजियों का परिणाम होता है विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व रूपी आरक्षण या तो लागू नहीं होता और आरक्षित वर्ग की जो न्यूनतम सीटें मिलती है वो भी नहीं भरी जाती।
इसी तरह की नीतियों का परिणाम है कि आज विश्वविद्यालयों में आरक्षित समुदाय के प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत कम प्रतिनिधित्व है। इसके बारे में अगले जो व्याख्यान है उसमें हम आपको डेटा लेकर के आएंगे, जो हमने RTI से निकलवाया है उसमें हम आपको बताएंगे आपकी पोजिशन क्या है। वस्तुतः रिजर्वेशन का रोस्टर संधारण का एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसको जरिए नौकरियों में आरक्षण लागू किया जाता है, लेकिन इसे संधारित या लागू करने में बेईमानी हो रही है और आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियाँ उड़ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोस्टर रजिस्टरों के संधारण के लिए जरूरी सामग्री पर मनवादी कुंडली मारकर बैठे हैं। मैं खुद इसको महसूस कर रहा हूँ। आरक्षित वर्ग के लोगों को एक्सपोजर नहीं है कि वो रोस्टर रजिस्टर कैसे बनता है, उनको तो यही पता नहीं है कि उस रोस्टर रजिस्टर को बनाया कैसे जाता है। उनको तो एक और व्यवस्था है जो हमने लाइजन ऑफिसर की व्यवस्था की है, STSC OBC के लिए लाइजन ऑफिसर्स बनाए, वो लाइजन ऑफिसर्स को वो प्रेशर में ला करके साइन करवा देते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा, तुम इस पर साइन कर दो, और वो उस पर साइन कर देते हैं। ये सब दब्बू बनकर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि उनके हिस्से की लड़ाई कोई बाहरी व्यक्ति लड़ेगा, उन्हें तो बस फायदा लेना है फिर और चिरनिंद्रा में सो जाना है। वो जो लोग जो व्यवस्था में आ गए, जो रिजर्वेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या दूसरे पदों पे आ गए, वो ये सोच रहे हैं कि उनके लिए कोई बाहरी आदमी लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ने के बाद वो एसोसिएट या प्रोफेसर बन जाए, पर वो अपनी कुर्सी से हिले नहीं, वो अपने डिपार्टमेंट्स में किसी की सहायता ना करें, वो पे बैक टू सोसाइटी का जो मंत्र है उसको वैसे भी भूल चुके हैं और उसको वो पूर्णतः उसका निरादर करते हैं। पर इसमें आप देखेंगे तो इसकी जो रोस्टर रजिस्टर की जरूरत क्यों पड़ी और कब पड़ी। सबसे पहले आप इसको देखेंगे तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो रोस्टर रजिस्टर की जो व्यवस्था है वो प्रोफेसर काले कमेटी के माध्यम से हमारे सामने आई। प्रोफेसर काले कमेटी ने सबसे पहले हम लोगों के हितों की संरक्षा के लिए, हितों के संरक्षण के लिए उस व्यवस्था को लाए और 2006 में उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC प्रतिनिधित्व को लागू करने के दौरान विश्वविद्यालय में नियुक्तियों का मामला केंद्र के तत्कालीन UPA सरकार के सामने आया। ये भी आपको सोचने के विषय है, ये क्यों आया? क्योंकि उस समय जो लालू प्रसाद जी जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने वाले लोग थे, उन्होंने प्रेशर किया, वो सरकार में साझेदार थे, इस वजह से ये आया। नहीं तो शायद उससे पहले भी अगर सरकार में बैठे हुए लोग लाना चाहते तो ला सकते थे। चूँकि इस बार प्रतिनिधित्व उस सरकार के समय में लागू हो रहा था जिसमें RJD, DMK, PMK, JMM जैसी पार्टियां शामिल थी जो कि सामाजिक न्याय की पक्षधर रही हैं, इसलिए पुराने खेल की गुंजाइश काफ़ी कम हो गई थी। अतः केंद्र सरकार ने DOP मंत्रालय में UGC के दिसंबर 2005 में एक पत्र लिख करके विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व लागू करने के लिए आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए कहा। उस पत्र के अनुपालन में UGC के तत्कालीन चेयरमैन प्रोफेसर VN राजशेखरन पिल्लई और प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर राव साहब काले जो कि बाद में गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति बनाए गए थे की अध्यक्षता में प्रतिनिधित्व लागू करने के लिए एक फार्मूला बनाने हेतु एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिनमें कानूनविद जोश वर्गीस और UGC के तत्कालीन सचिव RK चौहान साहब थे, जो कि मैंने आपको बताया कि उसी वजह से आपके जो जितनी भी व्यवस्थाएं लागू हुई वो तभी हुई। प्रोफेसर काले समिति ने भारत सरकार के DOP मंत्रालय को 2 जुलाई 1997 की गाइडलाइन जो कि सुप्रीम कोर्ट के सबरवाल जजमेंट के आधार पर बनी है को ही आधार मानकर 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने का एक सिफारिश दी और उसको सरकार ने माना। पर ये सिफारिश जो थी वो सेंटर के जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट थे उनके लिए थी, राज्यों में जो आरक्षण के लागू होने की जो व्यवस्था है वो दूसरी है, वो उसके नोटिफिकेशन से है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, राजस्थान की 27 यूनिवर्सिटीज़ में जो STSC OBC के रोस्टर रजिस्टर बनने हैं या उनका जो संधारण होना है या बैकलॉग का काउंटिंग होना है वो 1973 से होना है, क्योंकि राजस्थान में जो रिजर्वेशन लागू करने का मुझे जो लेटेस्ट जो पत्र मिला है, जो ऑफिस ऑर्डर मिला है वो 1973-74 का है, इसलिए हमने उस डेट को उस ऑर्डिनेंस में जो है कोई डेट नहीं दी गई है। और ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं, जब किसी ऑर्डिनेंस में उसके इम्प्लीमेंटेशन की डेट नहीं दी गई हो तो उस नोटिफिकेशन के इशू होने की डेट से ही वो लागू माना जाता है, और उस स्थिति में हमने जो है उसको 1973 को मान करके उसके जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो रोस्टर की जो हम रजिस्टर बना रहे हैं उसमें उसी नियम के तहत हम उसको बना रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्था है ये 97 में सेंटर की यूनिवर्सिटीज़ में लागू हुआ और स्टेट में उस कंसर्न डेट से हुआ जिसमें उस पर्टिकुलर स्टेट में उसको नोटिफाई किया गया है।
तो ये ध्यान देने की तकनीकी बात है। इसको मैं जो दूसरा जो व्याख्यान है इसका सेकंड पार्ट जो आएगा जिसमें हम तथ्यों के साथ आंकड़ों के साथ बात करेंगे उसमें इस चीज़ को आगे विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। अब सब एक अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, अक्सर लोग मुझसे बात करते हैं कि ये 200 पॉइंट रोस्टर और 100 पॉइंट रोस्टर में क्या फ़र्क है, ये 100 पॉइंट रोस्टर क्यों नहीं है। हमारे जानने वाले तो इतना भी नहीं जानते कि 100 पॉइंट और 200 पॉइंट में क्या फ़र्क है। 13 और 40 की तो आप बात छोड़ दीजिए। तो ये जो 100 और 200 पॉइंट का जो रोस्टर है उसमें कोई तकनीकी कोई ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ ये है 100 पॉइंट जो रोस्टर है उसमें क्या होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में जो टेबल्स दो बताई उसमें ओसी का मैंने आपको बताया 3.7 था, तो जो 0.30 जो छूट रहा है पर किसान आप 100 पॉइंट में नहीं निकाल सकते हैं, 27% को आप 100 पॉइंट में नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए ऐसे ही एसटी का जो 7.5% है 7.5% को 100 पॉइंट में नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको डबल करके 200 पॉइंट बनाया गया ताकि ओबीसी का जो 27% है वो भी बखूबी लागू हो जाए, एसटी का जो 7.5% है वो भी बखूबी लागू हो जाए। और वो किस सूरत में लागू हो जाए उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उसमें सबसे पहले यही है कि उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को के लेवल पे उसको लागू किया गया, और उसमें जो है तीनों कोडर को जो है अलग अलग से रोस्टर रजिस्टर बनना है, असिस्टेंट का अलग बनना है, एसोसिएट का अलग बनना है, प्रोफेसर का अलग बनना है। ऐसे ही जो काडर है जैसे जैसे नॉन टीचिंग के जो काडर है जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के साथ साथ दूसरे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पे स्केल के जो है उनका एक ग्रुप बनना है, दूसरे डीआर के जो ग्रुप बनना है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होता है तो उसका दूसरा ग्रुप बनना है, ऐसे उसको उसकी उसी स्लैब में ले जा करके उसको सेटल डाउन करना है। तो ये तीन स्तर पर कैडर रोस्टर बनाने की सिफारिश सहमति ने की, और इसमें विभाग के बजाय विश्वविद्यालय और कॉलेज को यूनिट मान करके प्रतिनिधित्व लागू करने की बात की। जैसे मैंने आपको पहले पिछले मेरे उसमें बताया अलग अलग विभागों में नियुक्त प्रोफेसरों की सैलरी और सेवा की शर्तों को भी एक ही होती है, इसलिए समिति ने उनको एक कैडर बनाने की सिफारिश की। जो मैं आपको कैडर बनाने की बात कह रहा हूँ वो यही है कि एक पे स्केल के जो है वो एक में रहेंगे, दूसरे पे स्केल के दूसरे में रहेंगे। ऐसे प्रोफेसर काले समिति ने रोस्टर को 100 पॉइंट ने मान करके 200 पॉइंट पर सेटल डाउन किया, उसको बनाया, क्योंकि एसटी के 7.5% का प्रतिनिधित्व है और अगर ये रोस्टर 100 पॉइंट पर लागू बनता है तो एसटी की जो रिजर्वेशन की जो पोजीशन है वो 750 पद देने होते हैं जो कि संभव नहीं है, 7.5 पद कैसे दिए जा सकते हैं 100 में से। इसलिए अगर उसको 200 कर देंगे तो 7.5 का डबल हो जाएगा 15, तो आपको उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। अतः समिति ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी की 100% को दिया क्रम से 7.5, 15 और 27% प्रतिनिधित्व को दोगुना कर करके और ये निकाल करके आया कि 200% में एसटी का जो है वो 15% हो जाएगा, एससी का 30 हो जाएगा और ओबीसी का 54 हो जाएगा, तो वो बखूबी उसमें लागू हो जाएगा। तो ये जो 100 और 200 के बीच की जो कहानी है वो ये है, इसमें कोई ज़्यादा तकनीकी वो नहीं है, इसको केवल समझने के लिए आपके यहाँ आपके लिए लेकर के आए हैं। आगे इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें पाते हैं कि यानी एक विद्या जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी में किसी में मान लीजिए 200 सीट है, तो 200 सीट है तो वो उसमें जो आप उसको एसटी एससी ओबीसी की जो क्रम संख्या है उसको जो है 15 30 और 54 की सीटें मिलेंगी जो कि उनके 7.5 और उसको जो है पूरा कर देंगी। सीटों की संख्या का गणित सुलझाने के बाद समिति के सामने ये समस्या आई कि ये कैसे निर्धारित किया जाए कि कौन सी सीट किस समुदाय को दी जाएगी। इस पहेली को सुलझाने के लिए समिति ने हर सीट पर चारों वर्गों की हिस्सेदारी देखने का फार्मूला सुझाया, जिसमें फार्मूला क्या समझाया कि ये सुझाया कि जैसे एक डिपार्टमेंट में मान लीजिए सपोज चार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नौकरी है तो चार असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी है तो उसमें चार कैटेगरीज के चार लोग आ जाने चाहिए, ऐसे उस यूनिवर्सिटी को यूनिट मान करके ही संभव था, इसलिए वो यूनिवर्सिटी को यूनिट माना गया। जैसे अगर किसी संस्था में केवल एक सीट है तो उसमें अनारक्षित वर्ग की पहली हिस्सेदारी 50.5% की होगी, ओबीसी की हिस्सेदारी 27% की होगी, एससी की हिस्सेदारी 15% की होगी, एसटी की 7.5% की होगी। चूंकि इस विभाजन में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है इसलिए पहली सीट अनारक्षित को दी गई, और अनारक्षित का मतलब ये भी है कि वो जो है वो ओपन है। ये
ओपन और जनरल का जो है वो कहानी है, वो वस्तुतः जो है टेक्निकली ओपन सीट है, पर उसके सामने जनरल और ओपन को उसके पर्यायवाची शब्दों के रूप में लिख दिया गया, तो वो जनरल अपने आप को उसको अपना लिए मानने लगी, जबकि ऐसा नहीं है, वो ओपन फॉर ऑल है, ओपन फॉर चारों कैटेगरीज है, चारों कैटेगरीज में जो जो मेरिट के आधार पर अच्छा करेगा उसको वो सीट मिलेगी। पहली सीट के अनारक्षित रखने का एक और लॉजिक यह भी है कि ये सीट सैद्धांतिक रूप से सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए खुली रहेगी, और अगर ये बात अलग है कि धीरे धीरे ये माने जाने लगा कि अनारक्षित सीट का मतलब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण हुआ, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है, क्योंकि वस्तुतः एससी एसटी ओबीसी को उनकी वास्तविक संख्या के अनुपात के आरक्षण नहीं दिया गया, जो मैं आपसे जो बात कह रहा था, जिसमें मैं आपसे कह रहा था कि वो उसके पीछे जो देने की जो कहानी है वो ये है। इसको अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसमें जो मुख्य जो बात है और इसमें जो काडर की जो बात की गई है, काडर की बात करने के पीछे की जो बात है, उसमें अतः ऐसी सीटों पर सबका अधिकार होगा जो कि प्रतियोगिता और परिणाम का निर्धारण वर्टिकल रूम में तय हो। प्रोफेसर काले समिति ने 200 सीटों की कैटेगरी के अनुसार 200 पॉइंट का रोस्टर तैयार किया, उसे ही 200 पॉइंट रोस्टर रजिस्टर कहा जाता है। किंतु मेरा मानना है कि पहली 5 सीटों का विवरण, पहली दिव्यांग, दूसरी एससी, तीसरी एसटी, चौथी ओबीसी, पांचवी ओपन कैटेगरी होनी चाहिए, ताकि सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके, और उसके बाद 200 पॉइंट रोस्टर के फार्मूलों के आधार पर सीटों का निर्धारण करने में 200 पॉइंट का नंबर आएगा और ये चार्ट बनाया जा सकता। मेरा एक टेक्निकल इशू ये है, मैं ये मानता हूँ, और ये टेक्निकल रूप से वैसे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि पहली सीट जो है वो ओपन कैटेगरी को दे दी जाती है, तो इसके लिए मेरा जो सुझाव जो मैंने कई जगह पे दिया है और देता हूँ वो ये कि पहली सीट जो है वो आप पीएच के लिए, वीएच के लिए, जो भी फिजिकली हैंडीकैप या दिव्यांग है या विजुअल हैंडीकैप्ड है उनके लिए रख दीजिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, और वो हमारा एक दायित्व भी बनता है कि जो कमज़ोर वर्ग है, सबसे अगर कमज़ोर वर्ग माना जाता है तो वो वही पीएच बीएच और उसकी कैटेगरी के माना जाता है, इसलिए पहली सीट उनको दे दी जाए, दूसरी सीट जो है वो उसको दे दी जाए, एससी को दे दी जाए, क्योंकि इस पूरे देश के इतिहास में देखें तो सबसे ज़्यादा जो अगर दमन कहीं किसी का हुआ है तो वो एससी का हुआ है, उसको हम एक पारितोषिक के रूप में, उसको हम एक उसके रूप में मान करके उसको सीट दे दें, चौथी तीसरी सीट एसटी को दे दें, चौथी ओबीसी को दे दें और पांचवी ओपन को दे दें, और ये जो है ये बाइनरी उसमें जो है इसको हम लागू करें, एक के बाद एक बाइनरी जो स्टेज होती है उसमें इसको हम लागू करें, तो ये और ज़्यादा साइंटिफिक और वैज्ञानिक हो सकता है, तो इसके लिए भी हमारी कोशिश है, इसके लिए भी हमने कई बार ऐसी कोशिश की और आगे भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अनुसार आप देखेंगे प्रोफेसर काले समिति द्वारा तैयार रोस्टर के अनुसार किसी भी संस्था में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद कुल 200 है, तो मान लीजिए उनका जो बाइफ्रिकेशन होगा, उनका जो वर्गीकरण होगा, उनकी जो पोजिशनिंग होगी रोस्टर रजिस्टर में, वो 4 के अनुपात में होंगी, जब तक कि ये बाइनरी व्यवस्था लागू नहीं होती है। बाइनरी व्यवस्था अगर लागू हो जाती है तो ये बाद में बदल सकता है, पर ओबीसी का जो रिजर्वेशन होगा वो 4, 8, 12, 16 इस अनुपात में जो है उसका जो है रिजर्वेशन आगे बढ़ता जाएगा, और अंत में जो है ये 27% हो जाए। ऐसे ही जो दूसरी जो कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज के भी पॉइंट निर्धारित किए गए हैं, जैसे एससी के लिए 7, 15, 22, 27 और ये काम फार्म वो दिया गया है, एसटी के लिए 14, 28, 40, 55, 69, 80, 95 ये दिया गया है। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात हुई, जो प्रोफेसर काले समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें एक विवाद आया, और विवाद की वजह क्या थी इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आगे की जो मेरी जो इसकी जो कंटिन्यूस जो क्लास होगी उस क्लास में ये जो है बार बार आपको ये ना लगे कि ये ऐसा क्यों हुआ था। काले समिति द्वारा बनाए गए इस रोस्टर में विश्वविद्यालयों द्वारा निकाली जा रही नियुक्तियों में आरक्षित पदों की सीटों को चोरी को लगभग नामुमकिन बना दिया, ऐसा सिस्टम बना दिया, साइंटिफिक सिस्टम बना दिया, रोस्टर रजिस्टर बन गया, सेंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में आ गया, रिजर्वेशन की पोजीशन आ गई, जब सारी की चार चीज व्यवस्था चाक चौबंद हो गई, चारों तरफ से बंद हो गई, तो फिर लोगों को लगने लगा कि ये तो हमारे जो हम जो सदियों से जो बेईमानी करते आ रहे हैं उस बेईमानी का क्या होगा, तो उन्होंने इसका एक विरोध, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इसका एक विरोध शुरू कर दिया, और उसकी वजह से उन पोस्टों को इन्होंने भरने नहीं दिया। इसने ये तय कर दिया कि आने वाला पद किस समुदाय के कोटे में भरा जाना है, इस बीच बीएचयू इलाहाबाद, डीयू शांति निकेतन, बीएचयू अधिकांश विश्वविद्यालय में इस तरह के रोस्टर के खिलाफ हो गए,
सारे की सारी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी वो खिलाफ हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये रोस्टर एससी एसटी के 97 और ओबीसी के 2600 लागू करने से माना जाना था, साथ ही एससी एसटी के बैकलॉग को भी देना था। मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में 2005 में अपने यहाँ आरक्षण लागू किया है लेकिन उसने उसके बाद भी किसी एसटी एससी ओबीसी को नियुक्त नहीं किया, तो ऐसी सूरत में उस विश्वविद्यालय में 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की सीनियरिटी के अनुसार 3 अलग अलग काडर बनाने पड़ेंगे। और जब 3 अलग अलग काडर बनाने पड़ेंगे तो उनकी जो व्यवस्था जिसमें वो जी रहे हैं वो व्यवस्था उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए वो जो है उसका विरोध करते रहे। इसके अलावा इसकी जो दूसरी जो वजह थी उसमें आप मान लीजिए अगर उस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर में अब तक 43 लोगों की नियुक्ति हुई जिसमें कोई भी एससी एसटी ओबीसी नहीं है, तो उसमें रोस्टर के अनुसार उस विश्वविद्यालय में अगले 11 पद वो है वो ओबीसी को जाएंगे, 6 पद एससी को जाएंगे, 3 पद एसटी को जाएंगे, तो वो उन्हीं से भरेंगे। तो उनके जो लोग हैं वो क्या करेंगे, जैसे कि अभी कुछ दिनों बाद जो है एक राजस्थान में भी होने वाला है, और जब तक आरक्षित वर्ग नहीं भरे जाएंगे तब तक उस विश्वविद्यालय में कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अनारक्षित पदों की नियुक्ति नहीं होगी। ये प्रोफेसर थोराट के समय ये हुआ कि उन्होंने कई कॉलेजेज का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेज की एड रोक दी, ग्रांट रोक दी और उनको पैसा नहीं दिया, सैलरी देने के लाले पड़ गए, तब जा करके उन्होंने उस व्यवस्था को रोस्टरों के तहत जो है उसको वो करके वेरीफाई करवा करके पोस्टें निकाली। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, इस मानसिकता के लोगों ने इसके सारे जो चोर दरवाजे बंद होने के बाद इस व्यवस्था को भरा नहीं, और अब भरा नहीं तो वो कहती है प्रकृति सबके साथ न्याय करती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय आया, आपने जो ताकत दिखाई, तो वो जो 200 पॉइंट रोस्टर है वो खाली जितनी भी जो खाली सीटें हैं उस पर लागू हो गया, और लागू होने के बाद अब इनको जो है लेने के देने पड़ रहे हैं। पर उसके लिए आपकी जागरूकता जरूरी है, जिसको वे आरक्षण विरोधी मानसिकताओं के जजों, कुलपतियों, न्यायालयों के माध्यम से भरना चाहते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उस समय जो आए थे निर्णय वो इसी की परिणति थे, वो इसी का एक वो थे। परिणाम स्वरूप कई विश्वविद्यालय ने तो रोस्टर बनाने से इनकार कर दिया, ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने अपने यह प्रतिनिधित्व में सिर्फ कागज़ पर ही लागू किया, और इसलिए रोस्टर के आने के बाद पूरी तरह फंस गए और अब फड़फड़ा रहे हैं। तो और अगर आप लोग जागरूक हो गए, आपकी निंद्रा टूट गई, आप नींद से जाग गए, तो ये आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके लिए तो फायदेमंद होगा ही, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। पर आप जब सोते रहेंगे तो सोने से तो कोई भी आपको जगाने वाला नहीं मिलेगा। आपको मैं आखिरी पड़ाव पर कुछ चीज़ें और इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में विश्वविद्यालयों के 70 के दशक में जो नौकरियों पर जो लोग लगे हैं जिन्होंने आपका कब्जा कर लिया है, जो मैंने बताया आपको कि 97 और 2006 और 1973 से जो पहले जो नौकरी लगे हैं उन्होंने जो है वो सारी जनरल कम्युनिटी के ओपन कैटेगरी के लोग आ गए, तो जो रिजर्वेशन के जो पोस्ट हैं उनके खाली होने के बाद बैकलॉग में जाएंगे रिसाइकल में, और जब वो रिसाइकल में बैकलॉग में जाएंगे तो वो जो है अब जो 70 का जो दशक है, अभी जो 1980 के बाद जो वो रिटायर हुए हैं वो वैकेंसी जब तक तो खाली चल रही थी, अब तक तो उन पे जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही थी, पर अब जब व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है तो अब उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो उस प्रॉब्लम को है वो आप नींद से जग करके ही बचा सकते हैं, क्योंकि वो लोग रिटायर हो रहे हैं और रिटायर होने के बाद वो खाली हो रही है, तो वो जो है वो बैकलॉग जो है उसको भरना है, तो उस बैकलॉग को भरेंगे तो वो आपका नंबर आएगा। साथ ही चूँकि नया पद अनारक्षित वर्ग के लिए तब नहीं था, निकाल नहीं सकते थे जब तक पुराना बैकलॉग ना भरा जाए, ऐसे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और BHU का और ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के रोस्टर के विरुद्ध होने का एक प्रमुख कारण है। उन्होंने विभाग स्तर पर रोस्टर लागू करने की मांग की, इन विश्वविद्यालयों ने 200 पॉइंट रोस्टर जब लागू करने से मना कर दिया, तो UGC के तत्कालीन चेयरमैन सुखदेव थोराट जी और राव साहब काले की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री फंड रोक दिया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद और अंडरटेकिंग के बाद वो फंड जारी हुआ, और उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है कई सारी जो वैकेंसीज पे जो है लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ, और ये जो है जैसे जैसे अपॉइंटमेंट होते गए तो इनका पारा चढ़ता गया और विरोध भी परवान पर चढ़ता रहा। पर आपके ऊपर, आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप तब भी सो रहे थे, आप अब भी सो रहे हैं और आगे भी सोते रहेंगे, तो फिर
चिड़िया चुग जाएगी खेत को, तो फिर पछताए होत क्या। आखिर में जो है आप देखिए इन्होंने क्या किया है। अभी जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था है वो आप सब जानते हैं, आपके वोटों से ये व्यवस्था जी रही है। ये सरकार आपके वोटों से बनती है क्योंकि आप धर्मभीरू बने हैं, और ये सरकार आने के बाद आरक्षण विरोधियों और आरएसएस के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो गए हैं, और वो जो है आपके सारे हक छीन लेना चाहते हैं। इसी बीच 2014 में आम चुनाव के बाद केंद्र में जो सरकार की मेहरबानियों की वजह से विश्वविद्यालयों में नियामक जो संस्थाएं यूजीसी और जो थे 200 पॉइंट रोस्टर का विरोध तब का प्रमुख स्थानों पर विराजमान हो गया था। बदले में प्रशासनिक माहौल में ये रोस्टर इलाहाबाद हाई कोर्ट को चैलेंज किया गया। व्यवस्था पहले से बिठाई गई होगी और ये सारी की सारी व्यवस्था के बाद निर्णय आया, और फिर बाद में निर्णय के बाद आपने जो किया उसका आपको आधा तो रिजल्ट मिल गया, पर आधा रिजल्ट अभी मिलना है। और जब आपको जब ये पूरा रिजल्ट मिल जाएगा तो शायद आपको कुछ मिलने की उम्मीदें आएंगी, परंतु ये देखना है कि क्या केंद्र सरकार इस मामले में ये जो बातें हैं वो सारी हो गई हैं। इसमें जो है वो सामाजिक न्याय की जो बात थी वो सारी हो गई है, पर आखिर में ये यही है कि अब हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को कोई और व्यवस्था बनाए, कोई और निर्णय आए, कोई सरकार की या दूसरे लोगों की कोई दूसरी और एक चीज़ आए, उससे पहले आप नींद से जाग जाएं, और नींद से जाग करके और जो कानून जो बना है, जो 200 पॉइंट रोस्टर की जो बात जो चल रही है उस 200 पॉइंट रोस्टर के तहत आपका जो है अपॉइंटमेंट हो जाए, ताकि वंचित वर्गों के जो 70 सालों से जो सामाजिक अन्याय हो रहा था उसे रोका जा सके और वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय मिल सके। ये जो था मेरी एक पूरी की पूरी जो पृष्ठभूमि बताने का जो एक उद्देश्य था, वो उस उद्देश्य से मैं आपके सामने आया था। अब इससे जुड़ी हुई इस परिस्थितियों के बाद की जो स्थिति बनी है, जो डेटाज में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी किस यूनिवर्सिटी में किस पोजीशन की क्या स्थिति बनी हुई है, आपकी रोस्टर रजिस्टर की क्या पोजीशन है, आपको मैं बताऊं, राजस्थान में 27 राजकीय जो यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें किसी में भी आज की तारीख में रोस्टर रजिस्टर नहीं बना हुआ है। और हमारे जो लोग हैं वो इतने अनभिज्ञ हैं कि वो रोस्टर रजिस्टर बनाने की जो बेसिक जो जानकारियाँ हैं वो भी उनके पास नहीं है। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं सहयोग भी करता हूँ, पर वो अपनी इच्छा के अनुसार मेरे पास आते हैं। होता क्या है, एक बार आए, मैंने डेटा का ये पेपर चाहिए, फिर वो 2 महीने गायब हो जाएंगे, फिर बाद में 2 महीने बाद सुविधा के अनुसार आएंगे। मैंने पूछा क्या हुआ यार इतने दिन से कहा थे, अरे वो मेरे ये काम आ गया था, मेरे वो काम। वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत कारणों से व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए उसमें कुछ सक्रिय है, बाकी का जो कम्युनिटी जो इंटरेस्ट है वो अभी भी किल हो रहा है। तो वो कम्युनिटी इंटरेस्ट किल नहीं हो, उसी और आपको जगाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, आपके सामने एकदम क्लियर कट पिक्चर लाने के लिए ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा, आगे भी हम इसको आपके के पास लाते रहेंगे। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप आलोकन अकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें जो है आपको जो है पहले से उसकी सूचना मिल सके। धन्यवाद।